यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, सीधी तस्वीरें। अंजाम दिया गया, लोअर कोर्ट का आदेश, लोकसभा से निष्कासन और लगातार सदन को ना चलने देना इस बात का प्रतीक है कि केंद्र की सरकार कोई सच्चाई सुनना नहीं चाहती। सब विपक्षी दल इकट्ठे होकर आए हैं और देश भर में इस बात को जनता तक हम पहुंचा रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर बोलने का अधिकार, सच्चाई सुनने का और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का जो एक कार्यक्रम भाजपा की सरकार कर रही है उसके विरोध में लोग हैं। हम लोग आज जयपुर के अंदर इस जुलूस को निकाल रहे हैं और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में अपनी बात बोलने का अधिकार सब लोगों को है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले कुछ समय में लोगों को, खासकर विपक्ष के लोगों को टारगेट किया गया है। 95% नेता और लोग जिनको ईडी ने नोटिस दिया, छापे डाले या केस किया, वो सब विपक्ष के हैं। तो ये बात तो गले उतरती नहीं है कि इनकम टैक्स, ईडी, सीपीआई, सब सिर्फ 95% जो टारगेट किया वो विपक्ष के लोगों को किया। अपनी बात बोलने दिया नहीं जा रहा, ना संसद के अंदर, संसद के बाहर। इस बात का विरोध करते हुए हम सब लोग आज सड़कों पर आए हैं और मैं समझता हूँ पूरे देश में लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हम साथी लोग, कांग्रेस के लोग, हम सच्चाई और अपनी बात रखने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो रवैया रहा केंद्र सरकार का, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में सरकार और विपक्ष दोनों बहुत अहम हिस्से हैं। अगर आप बात को सुनो ना, बात बोलने ना दो, संसद को चलने ना दो, 45 लाख करोड़ का बजट बिना चर्चा के पास हो जाए और जिस प्रकार आक्रामक नीति अपनाई है भाजपा ने, केंद्र सरकार ने, मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। पायलट साहब, ये मशाल क्या केंद्र सरकार को रोशनी दे पाएगी कि वो सच को स्वीकार करे या जो घमंड और अहंकार में जो सरकार डूबी होती है उसको जनता अपने आप जगाती है। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि आवाज़ लोगों की सड़कों पर लेके जाएं और सिर्फ जयपुर में नहीं, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में लोग इस बात को समझ गए हैं कि भाजपा ने पूरी कोशिश की है लोगों की आवाज़ को दबाने का, लेकिन हमारी आवाज़ को हम लोग रखेंगे। देवी श्रीनिवास कहते हैं कि म्यूट तंत्र हो गया है, राहुल जी की आवाज़ म्यूट कर दी सड़कों पर, युवा पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहे हैं आप लोग, पार्लियामेंट से लोगों को निष्कासित कर रहे हैं। अगर कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया था तो ऐसी क्या आफत थी कि 24 घंटे में आपको अपील करने से पहले निष्कासन कर देना। और लगातार कोशिश की जा रही है कि विपक्ष की बात, अब विपक्ष सारा इकट्ठा आया, पहली बार आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, एनसीपी सब मिलकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, उससे भाजपा घबराई हुई है। सर, हनुमान केजरीवाल ने कहा ट्वीट करके कि आपको नई पार्टी बनानी चाहिए। शशि हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। शशि, मैं देखा अभी आप बात कर रहे थे, ये जो पूरा मशाल निकाल रही है यूथ कांग्रेस, क्या मकसद, क्या उद्देश्य है इसका और क्या मैसेज पायलट साहब देने की कोशिश कर रहे हैं इस जुलूस के माध्यम से? एक बार फिर से शशि से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। दरअसल शशि हमारे सहयोगी इस वक्त सचिन पायलट के साथ ही मौजूद हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से लाइव तस्वीरें हैं, दरअसल ये यूथ कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस जो है वो निकाला गया है। सचिन पायलट की अगुवाई में हजारों की संख्या में युवा जो है वो सड़कों पर है, राहुल गांधी के बैनर पोस्टर लेकर डरो मत का स्लोगन लिखा हुआ पोस्टर इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। खतरे में है जो जानबूझ के जो सरकार ने, किस तरीके के जो तानाशाही सरकार कर रहे हैं, जो राहुल जी ने जो सवाल पूछा फरवरी 7 तारीख को, जो जेपीसी कमेटी को लेके, जो सीएम साहब ने कितने बार अडानी के साथ उनकी हवाई जहाज में गया है, कितने कंट्री पे गया, और 20,000 करोड़ किसका है जो शेल कंपनी में डाला है, उसका जवाब देना, उसको जवाब देने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये अडानी को बचाने के लिए जो नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा है, जो कितने भी ये लोग कोशिश करे, हम लोग जब तक इस लोकतंत्र नहीं बचेंगे तब तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये राहुल जी का डिस्क्वालीफाई हुआ सदस्यत्व बचाने के लिए नहीं है, इस देश का लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई जारी रहेगा। कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्रीनिवास भी मौजूद हैं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, मुकेश भाकर समेत तमाम विधायक मौजूद हैं। तो यूथ कांग्रेस की अगुवाई में ये पूरा यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा, मशाल जुलूस, लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस नाम दिया गया है। लीड कर रहे हैं सचिन पायलट। आपको बता दें कि बीवी श्रीनिवास भी मशाल जुलूस में शामिल हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट अभी संबोधित कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, हाथों में मशाल लिए तमाम जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के लोग सड़कों पर हैं और नारेबाजी हो रही है राहुल गांधी के समर्थन में। यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं सचिन पायलट अपने हजारों समर्थकों के साथ। इस वक्त जयपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शशि हमारे सहयोगी एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। शशि मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आपकी आवाज मिल रही है। शशि एक बड़ा कार्यक्रम है, सचिन पायलट साहब लीड कर रहे हैं इसको, और क्या मैसेज देने की कोशिश है इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से, मशाल जुलूस के माध्यम से? देखिए लोगों में इस बात की जिज्ञासा थी कि आखिर जब राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र का एक्शन हुआ है तो सचिन पायलट की क्या प्रतिक्रिया है, सचिन पायलट खुश क्यों है। लेकिन आज सचिन पायलट ने युवाओं की ताकत के साथ सड़क पर उतर कर ये दिखा दिया कि युवाओं की आवाज राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए है, राहुल गांधी की आवाज को बुलंद करने के लिए है। और यही कारण है कि ये अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्किल तक का जो तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का पैच है, वहां पर एक पैदल मार्च रखा गया है, मशाल जुलूस निकाला जा रहा है और इन मशालों की रोशनी से सच को दिखाने की कोशिश होगी। सचिन पायलट ने कहा कि ये मशाल की रोशनी है, ये भले ही कम हो लेकिन इसके जरिए सच को दिखाने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यवस्था सच को नहीं दबा सकती और जो घमंड में है उसका घमंड चूर होगा। इस तरीके से सचिन पायलट और बीवी श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों युवाओं के साथ सड़कों पर उतरे हैं और इस मशाल जुलूस का मार्च शुरू हो चुका है। हालांकि युवा आतुर हैं सचिन पायलट से मिलने के लिए, उनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए, उनके सामने अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए, लेकिन इस सब के बीच यह मशाल जुलूस आगे गांधी सर्किल की तरफ बढ़ता हुआ, गांधी सर्किल पर जाकर के इस मशाल जुलूस का समापन होगा। और दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद सदस्यता निरस्त की गई उसको लेकर के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, आक्रोश है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें भी इस बात को लेकर के नाराजगी है कि जो एक्शन किया गया वो सही तरीका नहीं था, क्योंकि जब कोर्ट में, हायर कोर्ट में अपील की मियाद थी तो उस मियाद का इंतजार क्यों नहीं किया गया, उससे पहले ही इस तरह का एक्शन क्यों लिया गया जो किसी व्यक्ति की आवाज को दबाने के प्रयास के रूप में दिख रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दिया जाता, सड़क पर उनके समर्थन में लोग उतरते हैं तो उनको रोका जाता है, उनको नहीं बोलने दिया जाता और यह बर्दाश्त नहीं होगा। और कांग्रेस के कार्यकर्ता इसीलिए राहुल गांधी की आवाज बनकर के उनके हाथ मजबूत करने के लिए सड़क पर उतरे हैं, ऐसा सचिन पायलट ने कहा। बीवी श्रीनिवास ने कहा कि अडानी का जो घोटाला आया, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, अडानी के जो 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए उसका जो आरोप है उसका जवाब देने की बजाय राहुल गांधी को चुप कराया जा रहा है और इसी को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आपत्ति है। जी शशि, कई दिनों से इस बात की बड़ी चर्चा चल रही थी कि पायलट साहब कहाँ हैं, संभाग स्तरीय कार्यक्रम हो रहे थे उसमें नजर नहीं आ रहे थे, हर तरफ चर्चा चल रही थी। अब ऐसे में खुद सचिन पायलट के हिसाब से अगर देखा जाए और उनके साथ चलता ये हजारों युवा, एक ये भी मैसेज है कि सचिन पायलट टाइगर अभी जिंदा है, कह सकते हैं? देखिए ये बात सही है कि कई बार सवाल उठे, चाहे सोशल मीडिया पर चर्चा आई हो, चाहे पार्टी के अंकों में चर्चा आई हो कि आखिर सचिन पायलट इस पूरे परिदृश्य में कहाँ है। हनुमान बेनीवाल भी आपने देखा कि सचिन पायलट को नसीहत देते दिखाई दिए, लेकिन उन सारे सवालों का जवाब सचिन पायलट ने आज इस रैली में आकर के दे दिया है कि वो सक्रिय हैं और राहुल गांधी की आवाज बनने के लिए, उनके समर्थन में उतरने के लिए वो लगातार काम करेंगे, ऐसी बात भी सामने आई। जी
जाहिर तौर पर, क्योंकि हमने हाल फिलहाल में देखा था कई नेताओं ने बाकायदा बयान दिया था और कहा यह भी गया था शशि कि रामलाल जाट आई गेस कहते नजर आए थे कि भाई कुछ नेता ऐसे हैं जो प्रदेश सरकार के खिलाफ बोलते हैं और राहुल गांधी की तरफदारी में दो चार शब्द बोल देते हैं, इस तरीके की बातें हुई थी। अब ऐसे में जो माहौल कहीं ना कहीं हमने देखा 2018 का चुनाव किस तरीके से सचिन पायलट के नाम पर लड़ा गया, किस तरीके से सरकार बनी, उसके बाद में ये चुनावी वर्ष, और इस चुनावी वर्ष में सचिन पायलट की भूमिका भी मुझे लगता है यहाँ से अब तय होनी शुरू होगी धीरे धीरे। प्रताप सिंह खजरियावास जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और वो भी में जो शामिल होते हैं और खजरियावास खुद सचिन पायलट और पीएस अग्रवास के साथ कदम ताल करते हुए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। जी बिल्कुल शशि, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रताप सिंह खजरियावास आपको तस्वीरों में देख लीजिए और वीवी श्रीनिवास आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे, साथ ही साथ में सचिन पायलट। तो जयपुर से लाइव तस्वीरें हैं, मशाल जुलूस निकाल रही है कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस, दरअसल यूथ कांग्रेस जो है राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीवी श्रीनिवास वो मौजूद है सचिन पायलट की अगुवाई में, हजारों की संख्या में यहाँ पर उनके समर्थक पार्टी के कार्यकर्ता वो जुलूस में शामिल हुए हैं। कई सवालों का जवाब यहाँ पर सचिन पायलट देते नजर आए, अपने विरोधियों को भी मीडिया से भी मुखातिब हुए, तमाम बड़ी बातों का यहाँ पर जिक्र किया सचिन पायलट साहब ने। जयपुर में यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रताप सिंह खजरियावास भी शामिल हुए हैं सचिन पायलट के साथ।